नमस्कार, आज मैं आपको कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और व्हेन अ डाटा इज प्रोसेस्ड, अ कॉपी ऑफ द डाटा इज ओपन इन रैम ऑफ द कंप्यूटर। और जब भी हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो कॉपी जो है ना डाटा की, जो ओपन होती है वो रैम में होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फॉर चेंज, और जैसे हमें कुछ चेंज करने हैं और कैलकुलेशन करनी है, टू बी कैरड आउट एंड देर आफ्टर सेव द चेंजेस और मे बी लव्ड। और हम उसको चेंज को सेव भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने कुछ चेंज कर सकते हैं उसको जो हमने सेव किया है, और या हम उसको वैसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम अनसेव करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा वो। द मेन फीचर ऑफ रैम इज टेम्प्रेरी, इसलिए वो टेम्प्रेरी है। वोलेटाइल मेमोरी इन विद द डाटा पर्सिस्ट ओनली फॉर द टाइम व्हेन द पावर इज स्विच ऑन एंड इज लॉस व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। समझ में आया इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि ये ना जो है क्या होती है बच्चों, टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है, और जब तक पावर है ठीक है तब तक वो है। जैसे अगर पावर लॉस हो गया, हमने उसे सेव नहीं करा तो हट जाएगी, मतलब कहने का ये टेम्परेरी है, ये हट जाती है मेमोरी। कौन सी? रैम की अगर हम बात करें तो। और अगर हम रोम की बात करें, यानी कि रीड ओनली मेमोरी विच होल्ड द डाटा परमानेंटली, जो डाटा को परमानेंटली पकड़ के रखती है, मतलब उसमें चेंज नहीं होता। जैसे अभी हमने इसमें देखा था ना, रैम में चेंज कर पा रहे थे ना, कैलकुलेशन करा हमने, कुछ फाइल के अंदर चेक किया, कुछ देखा तो उसको चेंज कर दिया। लेकिन हम रोम को चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंटली नॉन वोलेटाइल होती है। यार ना, ये वोलेटाइल होती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे यही गलती कर देते हैं। और मीन्स इट होल्ड इज मेमोरी इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड, अगर इसकी पावर चली भी जाएगी तब भी ये कभी गायब नहीं होगी, ये अंदर सेफ रहेगी। रोम कंसिस्ट द प्रोग्राम दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। ठीक है, रोम जो है ना, रोम उसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं, जब और हमें इसकी आवश्यकता भी होती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ, ये कैसे स्टार्ट होते हैं, बूट अप होने लग जाता है एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द CPU, और CPU को सारा का सारा कंट्रोल अपना देने लग जाती है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉलमेंट, इसलिए इसके अंदर ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? हाँ, ये कई ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जो कई प्रकार के काम करते हैं, स्पेशल भी होते हैं, जैसे टेलर मेड हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन वाला हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये डिफर होती है फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है, इन दैट इट इज़ डायरेक्टली एक्सेबल बाय द CPU। देख लो, सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो कंप्यूटर यूज इनपुट आउटपुट चैनल टू एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जो है ना इनपुट आउटपुट चैनल का यूज़ करता है ताकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तक पहुँच सके। सेकेंडरी मतलब एक तरह से बाहर की है, इंटरनल नहीं है, मतलब आप इसको निकाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो DVD है, CD है, फ्लैश, और जो फ्लैश ड्राइव्स होती है पोर्टेबल वाली, जो हार्ड डिस्क होती हैं, सब क्या है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। इसमें इतना जानना बहुत है। और इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये बच्चों नॉन वोलेटाइल होती हैं, और एंड यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इवन दो द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और इसमें नॉन वोलेटाइल हम कर सकते हैं, मतलब इसमें हम डाटा पूरा सेव कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो भी ये गायब नहीं होगा, दोबारा खोलोगे तो आपको नजर आएगा सब कुछ, अगर आप सेव कर देते हो। एंड द डिवाइस डज नॉट गेट पावर, डाटा इज स्टोर परमानेंटली एंड विल स्टे ऑन डिवाइस अंटिल द यूजर इरेजेस इट। देखो, ये परमानेंटली तब तक रहेगी जब तक आप इसे डिलीट नहीं कर देते, इरेज नहीं कर देते। सेकेंडरी के अंदर डाटा जब तक रहेगा जब तक आप उसको चाहते हो, आप चाहते हो उसे डिलीट करना, इरेज करना, तभी आप कर सकते हो। अब आज ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया, आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहा है, गूगल ने तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बना रखे हैं। ये कह रहा है ये एक कंप्यूटर का ही पार्ट होता है जिसमें हम ऑलवेज द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और ये हमेशा कंप्यूटर के जो इंटीग्रल पार्ट है, जो अहम पार्ट है, उनमें अवेलेबल होता है ताकि डाटा को स्टोर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। ऑनलाइन लिखा है लेकिन इसने ऐसा कुछ ज़्यादा बताया नहीं इसके बारे में। हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर इंस्टॉल होती है। जैसे अगर हम आज बात करें तो मैंने आपको जैसे गूगल का एग्जाम्पल दिया था, वो बता सकते हैं, जो आपके डाटा को आपके मेमोरी में जितने आपके वो है ना ऐड हुआ जितना सारा डाटा है वो उतना ही रहेगा, लेकिन गूगल उसको आपकी ओर से सारा स्टोर करता रहेगा। क्लाउड्स बोलते हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं आजकल। ऐसे एक होता है नियर लाइन स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ ऑप्शनल मीडिया,
ये ऑप्शनल मीडिया है, जैसे मैग्नेटिक टेप डिवाइस, ठीक है, और ये भी सारा डाटा को स्टोर करती है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये जरूरी नहीं है, आप इसको मतलब आप लगा भी सकते हो, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको अगर चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, किस किस के अंदर आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऐसी ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया है, तो ऑफलाइन में तो वही आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था, CD आ गए, हार्ड डिस्क आ गई, पेन ड्राइव आ गई। अब कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना, पता है ना आपको। और CUI जिसे बोलते हैं, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। और चलो इसके, और क्वार्ट, आपको पता है कीबोर्ड जो होता है उसमें अल्फाबेटिकल होते हैं और स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, ये तो है ना उल्टा सीधा होता है, एक सिस्टम होता है ना उसको, इसलिए इसको बोला जाता है क्वार्टी कीबोर्ड बोला जाता है, कि ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा। और ये नाम पता है कैसा है, कि इसमें 5 की का अरेंजमेंट है, एट द अपर लेफ्ट ऑफ द 3 रोज और ऊपर की तरफ 3 रोज में लेफ्ट में ऑफ द अल्फाबेटिकल कीज होती हैं। कौन सी होती हैं, देखो ये बता रहा है कि ये जो अल्फाबेटिकल कीज जो है ना, मतलब इधर की तरफ लेफ्ट में ऊपर की और 3 रो में ये 5 कीज पाई जाती हैं, उसी को बोल रहा है ये QWERTY कीबोर्ड की खास बात होती है। ऐसे साउंड कार्ड होते हैं इसमें जो आवाज़ देने का काम करते हैं, और मोनिटर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, आजकल तो आपको पता है LCD चल पड़ा है और काफ़ी अच्छा जो है रहता है, इससे जगह भी नहीं घिरती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर स्क्रीन, इसे कंप्यूटर स्क्रीन भी कहा जाता है, ठीक है, डिस्प्ले भी कहते हैं इसे। मोनिटर ये है जो ये आउटपुट है, क्योंकि आपको सारा का सारा प्रोग्राम सब दिखाएगा, है ना, जितना भी आप कुछ शो करोगे सब आपको दिखाएगा। और इसी के अंदर जो भी हम कीबोर्ड के अंदर माउस के थ्रू जो भी हम इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो ये शो करता है। एक यार पुराने दिनों में मोनिटर वार बिल्ट, पुराने दिनों में जो मोनिटर है ना वो कैथोड रे से बनाए जाते थे, कैथोड रे ट्यूब से, और इसलिए उनको बोला जाता था CRT मोनिटर। और CRT मोनिटर इज़ अ बिग इन साइज, CRT मोनिटर बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा बिजली भी लेते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, जगह बहुत चाहिए होती थी। और आज के दिनों में मोनिटर जो है वो इतने ज़्यादा बढ़िया बन गए, आज LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, और इसलिए इसको LCD मोनिटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, LCD मोनिटर। बहुत पतले होते हैं साइज़ में और जगह भी कम लेते हैं, बिजली भी कम लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर तो आपको पता ही है, प्रिंटर क्या करता है, जो प्रिंट करता है आपकी जो हार्ड कॉपी है वो लाता है, जो अपने अंदर देख रहे हो ना कंप्यूटर का, तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी जो उसी को जब आप कागज़ पर दिखा देते हो तो हार्ड कॉपी बन जाती है। हार्ड मतलब जिसे आप छू सकते हो, ये हार्ड कॉपी है बच्चे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना मोबाइल में, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको एक तरह से अगर इसका जैसे PDF मिल जाएगा तो वो आपका एक सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, जैसे अगर जो भी डाटा दिखाओ। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो प्रिंटर भी हैं दो प्रकार के दे रखे हैं इसमें, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सुन लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो टच करता है, मतलब उसकी जो हेड होता है ना वो आपके पेज को टच करेगा, ठीक है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और इसमें एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसका, लाइन प्रिंटर और व्हील प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो टचेस याद रखना पड़ेगा, प्रिंटर्स टचेस द पेपर, तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर्स, व्हील प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर्स। अब आ जाओ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, ये ना बिना टच किए या उस पेज पर पूरा लिख देंगे, जैसे इंकजेट प्रिंटर्स हो गया, लेजर प्रिंटर्स हो गए, ये लिखा ना द प्रिंटर डज नॉट टच द पेपर ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग हो रही होती है तो उसको टच नहीं करता और सीधा उस पर लिख देता है, इंकजेट और लेजर, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रिंटर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रिंटर नहीं सॉफ्टवेयर, देखो इट इज़ जनरल टर्म ऑफ द फॉर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम ही है, जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं ना, जो कंप्यूटर को चलाने में यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। सॉफ्टवेयर है क्या, ये इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है एक तरह से, जो आपको कंप्यूटर में, जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो या जो कंप्यूटर को चला रहे हो उसमें हेल्प करता है। ये कह रहा है हार्डवेयर की तरह नहीं होता, ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन, और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है ना उसको ना तो आप देख सकते हो ना उसे छू सकते हो, जबकि हार्डवेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो। हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, आपका माउस आ जाएगा, इस तरीके से आपका CPU आ जाएगा, और आपका जो है जो ये LCD है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
और अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है।